मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मुरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं बीसियों साल से यह चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप पढ़ सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोईया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे। और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोइये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोइये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए और उस रसोइये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोइया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर। रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था पीएल 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था। तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी, तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। ऐसे थे शास्त्री जी। और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे, तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया, और किसने मिलाया, नकली रसोईया जो उनका रखा गया, असली रसोइयों का अपहरण करके, और उनके असली रसोइये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा।